का वक्त हो गया, दरवाजा खटखटाया रानी और रानी, कोई आवाज नहीं आई। और तान बाद में सोचा कि सुरजी सो गए चले हैं, ध्यान आया कि मेरे योग और रानी है। जैसे ही सुनीति ने हाथ में तलवार को देखा, सुनीति समझ गई कि आज सौत ने लिखा पढ़ा दिया तो मेरे महाराज मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। अरे देखिया तमें आनी सुनीति घबरानी, देखिया तमें आनी सुनीति घबरानी। तलवार को देखा, पैरों तले जमीन खिसक रही है, हमें लग रहा है महाराज मारेंगे। पहले से पहले हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, महाराज राजपाट धन धाम छोड़े दो, राजपाट धन धाम छोड़े दो, छोड़े दलिया राजधानी सुनीति घबरानी। अरे छोड़ दलिया राजधानी सुनीति घबरानी, क्यों चले आए हो। अरे काम प्रभु लवाइया मेरे सैया, काम प्रभु लवाइया मेरे सैया, अरे सुमारन की आनी सुनीति घबरानी। क्या गलती हो गई। और तान काद ने उठा करके सीने से लगाया, रानी अरे ना कछु भूल भैया मेरी रनिया, नहीं कछु भूल भैया मेरी रनिया, सारे महल नहीं सोए रही रानी सुनीति घबरानी। कान पाद कहने लगे, रानी अरे एक रात रूप मेरी रानी, एक रात रूप मेरी रानी, अरे तनी करो मेहरबानी सुनीति घबरानी। पैरों में गिर गई सुनीति महाराज, आज दुखिया से कौन सी भूल हो गई। और तानपाद ने उठाया।